खून से भेजा हुआ है और रंग अबीर नहीं फागुन का है, कहां वो रंग अबीर उड़ाया है। बेटा मैं क्या देख रही हूँ, सारे बदन में आप खून से भीगे हुए हैं। मेरी माँ महापानी वासी उदाजम, उनके प्रेम प्रिय दोस्त तिजरी निवासी देवनंदन था, या शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था, हरण के साथ खेल रहा था,
वो कहा कि हरण दो, मैं कहा कि नहीं, वापस चले जाओ। तो कहा रे बालक, माँ भगवती मुझे तैयार है, तो खंडक सीना फाड़ दूंगा। माँ उन्हीं से ये तकरार हो चुका, मैंने पछाड़ कर या कब जाकर तोड़ डाले। देखा, एक हरण के खातिर एक परदेशी क्यों तुम कब्जा तोड़ दिया है? क्या कर मेरी माँ रेता थीला जा रही है। कारण क्या है मेरी माँ? कारण वही है, एक हरण की खातिर एक परदेशी की कब्जा तोड़ दिया है, इनको देह में कितना संकट होगा बेटा। हाँ ठीक है माँ, संकट वो अपना निभाते चलेंगे, परंतु यह लाल पीले जोड़ी कहाँ को जा रही है? देखो बेटा, एक कहीं की जा रही है, उसे लेना देना क्या है, चलो कुट्टी में आराम करो। नहीं माँ, तू बता दे कि कहाँ को जा रहे हैं लाले पीले जोड़ी। देखो बेटा, तुम हर बात में बहुत जिद करने लगते हो, लाले पीले जोड़ी जा रही है सब्र, किसी को बेटा के मुरन मनित है तो सब जा रहे हैं अपने अपने बेटा के मुरन करवाने के लिए मेला बक्सर में। मेला बक्सर मुरन कराने के लिए जा रही है ये माता Oh,
मेला बक्सर की चिंता भूल जा, चलो कुट्टी में आराम करो। मेरी माँ चलो वही बक्सर में आराम करूंगा, बाबा भोलेनाथ के जल ढालूंगा, इसके बाद मूरन के चढ़ाऊंगा। मेला बक्सर जाता है, जो भी व्यक्ति अपने बेटा को पांचों टू कपड़ा लेकर नए कपड़ा पहन कर मेला बक्सर जाता है, मैं फटीपुरा पहन के मैं कैसे मेला बक्सर। मेरी माँ पहले तुम चलेगी, इसके बाद मेला बक्सर में ना कपड़ा मिल जाएंगे। मेरी माँ ठीक है, चलो अवश्य मेला बक्सर में मैं भ्रमण करा दूंगी। ठीक है।
मेरी माँ भोला बाबा को कहेगी।